take it back to the old school. Hey boys, welcome back to a brand new episode on Indie Gaming. तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे पबजी या यानी कि प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड. तो यू नो हर कोई जानता है इस गेम के बारे में एंड इसमें जीतना इतना भी इजी नहीं है जैसा लोगों को लगता है एक्चुअल में जो ये गेम नहीं खेलते. तो हर किसी का अपना अपना मेथड होता है. तो इस वीडियो में आई विल लेट यू नो सम माय टॉप फेवरेट 10 टिप्स एंड ट्रिक्स टू विन दिस गेम. सो ये लेट्स बिगिन. ओके सो टिप नंबर 1 कि सबसे पहला पबजी में जो डिलेमा होता है कि तुम्हें लैंड कहाँ पे करना है, कहाँ पे तुम्हें कूदना है. तो सबका कोई अपना अपना वो होता है प्रेफरेंस एंड यू नो इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन कि प्लेन तुम्हारा कहाँ पे जा रहा है और किस डायरेक्शन में जा रहा है. बट अकॉर्डिंग टू मी मैं जनरली प्रेफर करता हूँ, अगर मैं अपनी बात करूँ वेस्ट वाले एरिया में जो ये जॉर्ज पुल से आगे का ये एरिया होता है ना, तो इसमें तो यहाँ पे मेजर लैंडमार्क नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी भीड़ हो गई तो यहाँ पे ज़्यादा लोग आते नहीं है और तुम्हें ऐसा भी नहीं कि व्हीकल्स इतने ज़्यादा मिल जाएंगे, बट स्टिल तुम्हें इतनी लूट मिल जाएगी कि और लोग यहाँ पे नहीं आते हैं एंड तुम आराम से यहाँ पे लूट सकते हो. स्टिल इतना तो तुम्हें लूट मिल जाती है. तो आई जनरली प्रेफर दिस साइड. ओके सो टिप नंबर 2 इज डोंट बी अफ्रेड टू हाइड आउट इन द ब्लू अर्ली ऑन. आई नो कि ये चीज़ थोड़ी वियर्ड भी साउंड कर सकती है बट या बहुत सारे प्लेयर्स ऐसा करते हैं और मैं ये चीज़ हमेशा प्रेफर करता हूँ. आई नो डैमेज लेना कोई अच्छा आइडिया नहीं है क्योंकि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो इसमें डैमेज लेना कोई अच्छा आइडिया बिल्कुल भी नहीं है. बट अगर गेम की स्टार्टिंग में है लाइक फर्स्ट या सेकेंड सर्कल है तो तुम ये चीज़ आराम से कर सकते हो, तो उसमें कोई रिस्क नहीं है बिकॉज उसमें डैमेज बहुत कम होता है जितना तुम हील कर सकते हो इजिली अगर तुम्हें थोड़ा बहुत डैमेज होता भी है तो. और उसके बाद के सर्कल्स में तो ऑफकोर्स तुम एरिया में पहले सेफ खेलना पसंद करोगे एंड हर कोई ऐसा करता है. बट स्टार्टिंग की अगर बात करें तो तुम बाउंड्रीज में जहाँ पे ब्लू रीजन वो होता है तो वहाँ पे भी छुपना बहुत सही होता है. लाइक और लोग आते हैं तो वहाँ पे तुम छिपके भी स्पॉन होके भी बहुत ज़्यादा मतलब एक काफ़ी अच्छा है, लाइक दूसरों को ख़त्म कर सकते हो और तुम जिंदा रह सकते हो आखिरी तक. सो आई मेनली प्रेफर, बहुत बार मैं ऐसा करता हूँ स्टार्टिंग वाले सर्कल में. ओके सो टिप नंबर 3 इज कीप ऑब्जर्विंग. आई नो इट साउंड वियर्ड बिकॉज हर कोई सीधी सी बात, अगर तुम एक गेम खेल रहे हो तो ऑब्जर्व तो तुम करोगे ही ना. आई नो तुम्हें लगेगा क्या बोल रहा है यार ये तो करते ही हैं, बट स्टिल लाइक तुम्हें करेक्टली करना है. लाइक तुम्हें जहाँ भी कूद रहे हो तो तुम्हें कूदते हुए भी लाइक तुम्हें ऑब्जर्व करना है कितने प्लेयर आ रहे हैं एंड ये चीज़ मैक्सिमम लोग करते भी हैं. सो या तो यू ऑलरेडी नो दिस टिप ऑलरेडी, तो तुम्हें देखना है तुम्हारे आसपास कितने लोग कूद रहे हैं किस एरिया में जा रहे हैं, तो तुम जल्दी ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दो तो उतना बेस्ट है. ओके सो माय नेक्स्ट टिप इज टेरेन कैन बी जस्ट एज गुड कवर एज एनी बिल्डिंग और वॉल. आई नो कि बिल्डिंग्स हमेशा बेस्ट होती हैं तुम्हें कवर करने के लिए, बेस्ट कवर देती हैं तुम्हें, तुम वहाँ पे जिंदा रहने के तुम्हारे मैक्सिमम चांसेस होते हैं अगर एकदम लोग अटैक करते हैं, और खुले में तुम जितना रहोगे उतना जल्दी मरने के तुम्हारे चांसेस होते हैं. बट उसके साथ साथ उसके कुछ लाइक प्रोस के साथ साथ उसके कॉन्स भी हैं. लाइक कोई भी तुम्हारे विंडो से लाइक ग्रेनेड फेंक देता है और लाइक दो बंदे आ गए और तुम्हारी टीम में लाइक एक ही है, तुम अकेले अलाइव हो, तो इसमें रिस्क भी हो जाता है, तुम एकदम से भाग नहीं सकते, एस्केप नहीं कर सकते. बट तुम कहीं भी लाइक माउंटेन के अराउंड तुम वहाँ पे छुप भी सकते हो, हाइड भी कर सकते हो, और अगर ऐसा कुछ होता है तुम अकेले बचे हो अपनी टीम में तो तुम्हारे पास एस्केप करने के भी ऑप्शंस होंगे, लाइक ओपनली तुम कहीं भी भाग सकते हो. सो माय नेक्स्ट टिप इज टेक एडवांटेज ऑफ स्मोक बॉम्ब्स. स्मोक बॉम्ब्स को इतना ज़्यादा एप्रिशिएशन नहीं मिलता जितना उनको मिलना चाहिए बिकॉज हर कोई दूसरे ग्रेनेड्स के ऊपर ही वो करता है, बट स्मोक ग्रेनेड्स जो हैं, स्मोक बॉम्ब्स हैं, उतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितने की कोई और दूसरे बॉम्ब्स. तो ये तुम कहीं भी लाइक ओपन में तुम कहीं भी फंसे हो तो तुम्हें ये बच के निकलने का, तुम्हें छुपने का, कवर करने का करते हैं. लाइक बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में भी कितनी बार ऑब्जर्व किया, इवन मैं तो हमेशा यही करता हूँ. तो स्मोक बॉम्ब्स बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, तुम्हें जिंदा रखने के लिए, तुम्हें छुपने के लिए, तुम्हें एनिमी से बचाने के लिए, तुम कहीं भी बच के निकल सकते हो अगर तुम कहीं फंस जाओ तो. ओके नाउ टिप नंबर 6 प्ले द एज ऑफ द सर्कल. आई नो मैंने तुम्हें बताया था लाइक ब्लू वाले सर्कल के
उसके अकॉर्डिंग भी। तो अगर तुम लाइक बहुत जल्दी पहले एरिया के अंदर आ जाते हो, बहुत ज़्यादा तुम एरिया के अंदर ही रहना पसंद करते हो, एच पे तुम नहीं खेलना चाहते, लाइक बहुत ही ज़्यादा तुम सेफली अंदर ही रहते हो हमेशा, तो यू नो तुम्हें हर डायरेक्शन में लाइक देखना पड़ता है कहीं से भी अटैक हो जाता है। लाइक अगर तुम बाउंड्रीज में रहते हो बहुत ज़्यादा, सर्कल की एच पे रहते हो, तो तुम्हें सिर्फ अपने फ्रंट पे देखना होता है और पीछे से कोई होगा नहीं, क्योंकि पीछे एज होगी तो वहाँ अगर कोई होगा तो वो तो ऑलरेडी मर चुका होगा ना, तो वो तो ऑलरेडी डैमेज होगा, तो तुम्हें जस्ट अपने फ्रंट में देखना होता है। तो दिस इज द बेनिफिट जो तुम्हें एच पे रहने पे मिलता है हमेशा। ओके, सो नाउ कम्स टू टिप नंबर 7, कीप योरसेल्फ बूस्टेड अप लेट गेम। आई नो बहुत सारे प्लेयर्स करते हैं जस्ट अपनी हेल्थ पे प्रेफर करते हैं, जस्ट कि हाँ हेल्थ फुल है देन इट्स ओके, बट तुम्हें उसके साथ बूस्ट रखना है तो ये तुम्हारा एडिशनल फायदा है, क्योंकि उससे तुम लाइक जोन के अगर बाहर भी रह जाते हो तो ऑफकोर्स ही बात है तुम्हें उससे तुम्हारी हेल्थ जो होगी बहुत धीरे धीरे डाउन होगी, तो तुम्हें उतना ज़्यादा फायदा मिलेगा। और वैसे भी अगर लेट से जितनी भी तुम्हारे पास पेन किलर्स और वो सब होती हैं, तो अगर तुमने उन्हें बचा भी लिया क्या फायदा, चिकन डिनर के साथ पेन किलर्स कौन बचा के रखना चाहता है, यू नो। नाउ टिप नंबर 8, हाइडिंग इन बुशेस वर्क्स वेरी वेल, या सरप्राइजिंगली वेरी वेल। बुशेस के अंदर छुपना हमेशा बहुत सही वर्क करता है, कोई तुम्हें वहां से इतना इजीली देख नहीं पाता है, और वहां पे तुम छुप के बहुत सही लाइक तुम स्कोप ऑन करके दूर दूर से मार सकते हो, और बुशेस तुम्हें कवर नहीं देंगी ऑफकोर्स ही बात है, बट जब तुम्हें कोई मारेगा ही नहीं लाइक कोई तुम्हें देख ही नहीं पाएगा जब तक किसी ने देखा ही नहीं है, और स्पेशली अगर तुम सप्रेस गन यूज कर रहे हो, ये मैन, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। टिप नंबर 9, ग्रास इज नॉट विजिबल। ग्रास जो होती है ये भी अच्छा ऑप्शन है, लाइक बुशेस का मैंने तुम्हें बताया, बट जो ग्रास है जनरली लास्ट के टाइम पे काम आती है, क्योंकि बुशेस के अंदर तुम्हारे पास ऑप्शन होता है तुम थोड़ा ऊपर रह के भी मार सकते हो एंड ये भी, बट ग्रास के अंदर तुम्हें हमेशा लेट के छुपना पड़ता है क्योंकि वो छोटी होती है, तो लास्ट के सर्कल में स्पेशली तो ग्रास बहुत तुम्हें हेल्पफुल देती है, बहुत ज़्यादा। छुपने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही हो सकता है, क्योंकि उस टाइम पे तुम्हारे पास लाइक एरिया जब इतना छोटा होगा तो तुम्हारे पास बुशेस या पेड़ों के ऑप्शन इतने ज़्यादा नहीं होंगे, और तुम भक्के जाओगे तो सामने वाले तुम्हें ऑब्जर्व कर लेगा वहां से, तो ग्रास इज द बेस्ट ऑप्शन। टिप नंबर 10, पिक एंड बैटल। इससे मेरा मतलब यह है कि ऑफकोर्स यू नो बहुत सारी मैंने टिप्स बताई जिसमें तुम छुप सकते हो, बस ऑफकोर्स ही बात है तुम्हें इस गेम में ऐसा नहीं कि बस बाहर आए बस मारना है तुम जिंदा हो जाओगे। क्लासिक वाले मोड में तुम जब भी खेलोगे तो ऑफकोर्स ही पता, तुम एक बार मरते हो तो मर जाते हो, बट स्टिल उसके बावजूद भी ऐसी गेम है तुम्हें हमेशा छुपना भी नहीं है, तो डोंट बी अफ्रेड, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। जितना ज़्यादा तुम एंगेज करोगे दूसरों को मारोगे उतना ज़्यादा तुम्हें एक्सपीरियंस आएगा, एंड अगर कोई इस गेम में न्यू भी है, आई डोंट थिंक ऐसा कोई होगा, ऑलरेडी सब लोग इतना ज़्यादा खेल चुके हैं, बट स्टिल तो जस्ट चूज़ करो कौन सी गन तुम्हें बेस्ट सूट करती है, कौन सा कॉम्बो तुम्हें बेस्ट सूट करता है, एंड यह जस्ट स्टार्ट बैटल। ऑलराइट, तो ये थी मेरी टॉप 10 टिप्स जो तुम्हें फॉलो करनी चाहिए पबजी के अंदर अगर तुम जीतना चाहते हो, अगर तुम बनना चाहते हो प्रो, हालांकि मैं अभी प्रो नहीं हूँ, बट ये मेरा फर्स्ट बनता है तुम्हें टिप्स देना। आज के एपिसोड के लिए फिर रखते हैं इतना ही, अगले एपिसोड में करेंगे हम कुछ नया, मे बी सम गेमिंग न्यूज एंड मे बी सम न्यू गेमिंग सीरीज। आई विल सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड, तब तक के लिए बाय।